तो यहाँ पे लग रखा है एक छोटा सा मार्केट, और हम वहाँ पे आए देखते हैं बच्चों के लिए कुछ मिलता है तो उसके लिए देखने आए फिलहाल, ऐसे देखने आए यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा सजा रखा है यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या लेते हैं और क्या क्या मिलता है, आप क्या क्या पसंद आते हैं यहाँ पे करम से, क्योंकि आज ये देखिए यहाँ पे 108 भी खड़ी हो रखी है हॉस्पिटल की, और ये रहा हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है आगे तक। और यहाँ पे कैंटीन है हॉस्पिटल की, जब भी डिलीवरी वगैरह होती है मरीजों के लिए खाना लेके जाना पर, तो ये सामने है इसको, और ये बना है नया पिछली बार। और सामने देखिए कितने टूरिस्ट बसें चल रही हैं, तो ये तो फिलहाल यहाँ पे रुक रखी हैं 3-4 बसें, और इतनी सुबह से मतलब शाम हो जाती है पर ये रोड खाली नहीं होती। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है, विकांश प्रार्थना करती कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरुराना स्वागत करती हूँ आपका आज की नई वीडियो में। तो चले करते हैं आज की ब्लॉगिंग शुरुआत एक नए दिन के साथ। मेरी ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और पीछे देख सकते हैं आप मौसम, देखिए आज कितना ख़राब हो रहा है, ये देखिए पूरा कोहरा तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि कोहरा तो इधर हमारे पहाड़ों में इतना नहीं छाता है, पर जंगलों में आग लग रखी है, ये देखिए इधर आग लग रखी है जंगलों में, तो इस चक्कर से ना पूरा धुआं धुआं हो रखे है, और मौसम भी आज इतना ख़राब होगा कि ठंड से तो आज बुरे हाल हो रहे हैं आज ठंड से। और दुकान में मैं आज लेट ही आई हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं धूप नज़र नहीं आ रही है, और धूप लगने की अब संभावना भी नहीं हो रही, क्योंकि सुबह से ही मौसम ख़राब हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर बारिश हो गई ना यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ने भी स्टार्ट हो जाएगी शायद, क्योंकि मौसम तो ऐसे लग रहा है, इस बार ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं आपको ठंड के बारे में। देखिए आज कितना मौसम ख़राब हो रहा है, और कितना काला हो रहा है, पूरा धुंधला सा हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और जंगलों में आ गए। अब मुझे लगता है कि ऊपर साइड में ना यहाँ पे है मतलब मेरा मायका जो बसंत नगर, जहाँ मैं बहुत बार दिखाती हूँ आपको वीडियो में, तो वहाँ लग रहा है मुझे बारिश हो रही है, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है पूरा, मतलब दिख ही नहीं रहा वहाँ कुछ भी नहीं, तो लग रहा है मुझे बारिश हो रही है उधर साइड, तो यहाँ भी लग रहा है होने वाली है, आप मौसम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ भी गिरने वाली है इस बार, और वैसे भी जनवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी में यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ ही लेती है, कभी पड़ती है मतलब किसी टाइम पड़ती है किसी टाइम नहीं पड़ती है, लेकिन ऊपर जंगलों में तो पड़ती है, अगर मार्केट में नहीं पड़ती है तो ऊपर जंगलों पेड़ों में तो ज़रूर पड़ती है बर्फ़ थोड़ी थोड़ी, अगर यहाँ पर भी नहीं पड़ी तो बर्फ़ पड़ेगी तो वो भी आपको वीडियो में दिखाऊँगी मैं अपने। और सामने देखिए कितने टूरिस्ट बसें चल रही हैं, तो ये तो फिलहाल यहाँ पे रुक रखी हैं 3-4 बसें, और इतनी सुबह से मतलब शाम हो जाती है पर ये रोड खाली नहीं होती आजकल टूरिस्ट बसों से, पूरी टूरिस्ट ही टूरिस्ट गाड़ियाँ जाती, एक ही बस है जो अभी लोकल चल रही है यहाँ पे, बाकी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत जगह पर रुके हैं, ये देखिए पीछे पूरे रुक रखे हैं यहाँ पर, ये सब जा रहे हैं केदारकांठ है बर्फ़ देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, और हर कोई टूरिस्ट वहाँ पे मतलब नीचे के लोग यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए आते हैं वहाँ पे, तो इसलिए अभी आराम आराम से चल रहे रास्ते में रुक रुक के। और मुझे तो लगता है वहाँ पे 80-90 हज़ार से टूरिस्ट जैसे ज़्यादा ही चले गए होंगे कल से, और कुछ दिन पहले से ही जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पर बर्फ़ देखने, और काफ़ी अच्छा भी है वहाँ पर केदारकांठ में बर्फ़ देखने। शाम के 4 बज चुके हैं, और हमारा प्लान बना अभी थोड़ा इधर स्टेडियम की तरफ जाने का, और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, ये रहा यहाँ पे हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर वाले रास्ते से जा रहे हैं, और अभी दिखाते हो आपको क्यों जा रहे हैं इधर को, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और मौसम देखे सुबह से शाम तक हो गई, अभी भी पूरा ख़राब है मौसम, अभी भी देख सकते हैं आप कोहरा नहीं है, धुआं है, पर आग लग रखी है ऊपर से, काला हो रखा पूरा जंगल, पूरा काला हो रखा जंगल, और धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि आग लग रखी है जंगल में, रास्ता बंद तो नहीं हो गया था, मैं कितने सालों से आ रही इधर को। और यहाँ पे ये है नदी, कमल नदी,
जिसको कमल नदी के नाम से जाना जाता है, करोला के साइड में बहती है ये। तो अभी पानी कम है, बरसात में इतना ज़्यादा पानी होता है इसमें। तो यहाँ पे लग रखा है एक छोटा सा मार्केट, और हम वहाँ पे आए देखते हैं बच्चों के लिए कुछ मिलता है तो उसके लिए देखने आए। फिलहाल ऐसे देखने आए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सजा रखा है यहाँ पे। देखते हैं क्या क्या लेते हैं और क्या क्या मिलता है, आप क्या क्या पसंद आते हैं यहाँ पे गर्म से, क्योंकि आज ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो फिलहाल बच्चों के लिए कुछ देखते हैं, अगर मिलता है तो लेते हैं, नहीं मिलेगा तो घर वापस जाते हैं। गुड्डे अच्छे लग रहे वाले नहीं है भैया, सॉफ्ट वाले नहीं होते, जो जैसे ये कपड़े हैं ना वैसे वाले, वैसे वाले नहीं है, जैसे ये कपड़े हैं ना लग रहे, ये वाले ऐसे में नहीं है। ऐसी सूट आ रही थी, खत्म हो गई, वो आएगी सोमवार को। सोमवार को आएगी, सोमवार या मंगलवार को आएगी शायद। मतलब कंफर्टेबल हो जैसे ये है, इनमें भी छोटा साइज खत्म हो रहा है। आपने मेरे टाइम के लिए सारा खाली कर दिया। तब आए टाइम आप ऐसे टाइम के अरे गुड्डे कैसे दे रहे? ये है 100 सारे इसका है, टेडी बियर है, बगैर है। ये देखिए आप कमल नदी को अच्छे से देखिए, और सामने है साईं मंदिर। आप पूरे प्रॉब्लम में कहीं नहीं है, यहीं पे है सिर्फ बना हुआ, ये भी किसी ने पर्सनली बना रखा है। और ये है कमल नदी, काफ़ी लंबी होती है हॉट टाइम पे, और यहाँ पे हॉस्पिटल का रास्ता है। ये देख लीजिए यहाँ से जाते हैं, हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया और सामने तक आप देख सकते हो, और इसी के बाहर है रास्ता। यहाँ पर कितनी गंदगी हो रखी है देख सकते हैं आप, मैं तो बहुत टाइम बाद आ रही यहाँ से। खाते खाते लोग ऐसे फेंक देते कूड़ा, और धुंधला और खामोशम भी आज। तो ये सारा ना हॉस्पिटल का एरिया है प्रोला का। और देखिए कितना काले और काला और खपार जंगल, क्योंकि ना आग लग रखी है। और आगे जा रही है काजल, वो कैमरे में आना नहीं चाह रही है, इसलिए वो बोल रही मैं आगे आगे चलती हूँ। तो इधर को ना हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में यहाँ से पैदल जा सकते, तो यही रास्ता जाता है पैदल गाड़ी। ये देखिए यहाँ पे 108 भी खड़ी हो रखी है हॉस्पिटल की, और ये रहा हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है आगे तक। और यहाँ पे कैंटीन है हॉस्पिटल की, जब भी डिलीवरी वगैरह होती है मरीजों के लिए खाना लेके जाना पड़ तो ये सामने है इसको। और ये बना है नया, पिछली बार कोरोना टाइम के बना था ये, क्योंकि जब क्वारंटीन में रहे थे लोग, कोरोना की जाँच हो रही थी तो यहीं हो रही थी सबकी। और यहाँ पर पार्किंग भी है हॉस्पिटल की, और ये रास्ता है। और सामने आप देख रहे हैं मंदिर, और ये है प्रोला का दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर भी कहीं नहीं है, मतलब प्रोला का दुर्गा मंदिर जाना माना मंदिर है यहाँ पे, और कहीं नहीं है यहाँ पे मंदिर माता का, तो यहाँ पे ही है। तो काफ़ी पुराना है, और इधर को पेड़ भी मतलब अभी लगाए हैं। और स्टेडियम के लिए भी इस चीज़ के आगे जाते, जहाँ मैं हम अभी तक जा रखे थे वहीं आगे जाते हैं स्टेडियम के लिए भी, यही रास्ता जाता है स्टेडियम के लिए भी। जो प्रोला का स्टेडियम है काफ़ी बड़ा है, वहाँ भी कभी जाना होगा तो मतलब बहुत टाइम से। और यहाँ से होता है प्रोला का मार्केट शुरू, यहाँ पे ना इसको खच्चर गली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले काफ़ी पुराना रास्ता था और काफ़ी गंदगी होती थी रास्ता, अब तो बहुत सफाई होती है और रास्ता भी अच्छा बन गया है। तो यहाँ से थोड़ी दूर है चलो,
हद हो गई है, ऐसे भाग रहे जैसे नहीं। तो हम ना वहाँ पे गए थे कुछ सामान लेने के लिए, बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं कपड़े वगैरह। तो अभी ना वहाँ पे सामान ख़त्म हो रखा है, कह रहे हैं कि अभी सोमवार तक आएगा। और तो फिर दूसरे दिन जाते हैं, तो हमने ना कुछ भी नहीं लिया, ऐसे खाली हाथ गए और खाली हाथ ही आए वापस, कुछ भी नहीं ले पाए हम, क्योंकि जो चीज़ लेने गए थे वो मिली नहीं है। तो इसलिए हम वापस खाली आ गए हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है, अंधेरा होने वाला है और घर भी जाना है मेरे को जल्दी। तो अभी निकलती हूँ दुकान बढ़ा के घर पे। तो आज की वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, तो मिलती हूँ आपकी आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।